हेलो गाइस, वेलकम बैक टू रचना पैराडाइज। और सुबह में मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ा, तो लौटते समय मैं सोचा कि चलो थोड़ी शॉपिंग कर लेते हैं, टाइम का यूज़ कर लेते हैं। तो हम हमारे घर के पास ही गल्फ बेकर्स है, वहाँ पर आ गए थे कुछ चीज़ लेने जो आपको बाद में दिखाई देंगी। तो ये हम गल्फ बेकर के अंदर आ गए हैं और मैं आपको केक दिखा रही हूँ। काफ़ी सारे केक्स थे और देख के मन करा था कि ये भी ले लो, वो भी ले लो। और मतलब जैसे कि आप देख रहे हैं कई सारे फ्लेवर्स में थे। और इधर मेरा फेवरेट बटर स्कॉच भी है। तो आप सोच रहे होंगे केक्स क्यों दिखा रही हूँ, तो आज हमारी मैरिज एनिवर्सरी है, तो वही हम सोच रहे हैं केक्स लें, पेस्ट्रीज़ लें, क्या लें। तो बस मैं वही सब एक्सप्लोर कर रही हूँ और फाइनली क्या लेते हैं वो तो आपको घर जाके देखने को मिल ही जाएगा। तो स्टे ट्यून विद मी रचना पैराडाइज। हेलो गाइस, तो आज 14th of July है और मेरा जो टेनिस है वो थोड़ा ज़्यादा तकलीफ दे रहा था, तो मैं हॉस्पिटल मुझे जाना पड़ा। मैं अवॉइड कर रही थी सिचुएशन में जाना, बट हमें जाना पड़ा मेरे हस्बैंड। तो डॉक्टर ने मुझे मेडिसिन दे दी हैं और फिर हॉस्पिटल से आने के बाद हेयर वॉश ना करो अच्छे से, फिर से ना नहाओ तो दिल नहीं मानता। और फिर इस टाइम में तो मुझे लगा कि चलो एक शॉट ले लेते हैं फिर से। वैसे तो मैं सुबह नहा चुकी थी। तो फिर और आज हमारी मैरिज एनिवर्सरी है, तो नॉर्मली भी हम इतना धूमधाम से नहीं मनाते, बस घर में मैं, मेरे हस्बैंड और थोड़ा बहुत ऐसे कर लेते हैं सेलिब्रेट। आज भी कुछ देखते हैं, अभी वापस आते समय हम कुछ सामान लेकर आए हैं, कुछ पेस्ट्रीज वगैरह, तो देखते हैं जैसा भी होगा मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो फिलहाल अब जाकर मैं अपनी मॉर्निंग टी ले रही हूँ और इसमें टाइम हुआ है 12:10, तो आफ्टरनून हो चुका है। अब जाके मैं अपना ब्रेकफास्ट ले रही हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या ले रही हूँ। कुछ खास नहीं है, बट चलिए दिखाती हूँ। तो गाइस, ये है मेरा ब्रेकफास्ट, ये है टी और एंड ये है पनीर पफ जो कि अभी हम आते वक्त लेकर आए हैं। और लंच में क्या बनेगा वो भी हम देखेंगे, डिसाइड करेंगे या कैसा अभी जो भी है मैं आपको आपके साथ शेयर करूँगी, तो फिर आपको मालूम चल जाएगा। चलिए, तो गल्फ बेकर से हम पनीर पफ के साथ खारी भी लेके आए थे। हम लोगों को पसंद है चाय के संग खारी खाना और यहाँ की हमें काफ़ी अच्छी लगती है। तो बस अब चलिए इंजॉय कर, पहले मैं अपनी चाय और अपना पनीर पफ इंजॉय कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। तो गल्फ बेकर से हम दो पेस्ट्रीज लाए हैं बिग वाली, जैसे कि आप देख सकते हैं छोटा केक ही कह सकते हैं इन्हें। तो ये पाइनएप्पल है और एक दूसरी स्ट्रॉबेरी है जो हम शाम में कट करेंगे, और ये हम अभी खाने जा रहे हैं क्योंकि हमसे वेट नहीं हुआ, तो सोचा चलो इसको अभी ब्रेकफास्ट में ही खा लेते हैं। तो बस वही मैं आपको शो कर रही थी कि एटलीस्ट मैं आपको दिखा तो दूँ। तो अच्छा लगता है पाइनएप्पल फ्लेवर एनी टाइम एनी डे। तो यहाँ पर ये मैंने भी थोड़ी सी ली है, थोड़ी ही ली है, ज़्यादा नहीं, बट सोचा चलो खा लेते हैं और एक दिन में खा लेते हैं, एक शाम को एंजॉय करेंगे, है ना, राइट डिसीजन। तो हे गाइस, ज़्यादा कुछ नहीं, बस मैं थोड़ा सा रेडी हुई हूँ और मैंने ये साड़ी पहनी है। अभी मैं इसका पूरा व्यू आपको दिखा दूँगी और बस मेरे हस्बैंड चेंज कर रहे हैं, फिर हम केक को नीला पेस्ट्री लेकर आए हैं, केक पेस्ट्री बस वही कट करेंगे। अब माहौल भी ऐसा है और ज़्यादा लोग भी नहीं है, अब तो ज़्यादा इन्जॉय करना अच्छा नहीं लग रहा, फिर मेरा टेनिस है वो एंड और बहुत सारी चीज़ें। तो चलिए दिखाती मैं आपको अपनी पेस्ट्री, मैंने पहले भी क्लिप ऐड किए और अभी फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये रहा हमारी केक पेस्ट्री, जानना मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है और एक्चुअली मैं पहले इसे खा चुकी हूँ तो मुझे पता है बहुत टेस्टी है। और दिखते हैं अभी ये वाली कैसी लग रही है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो ये रही हमारी स्ट्रॉबेरी पेस्ट्री कप केक और जल्दबाजी में ना मैं बॉक्स हटाना भूल गई पाइनएप्पल पेस्ट्री का भी और इसका भी। अभी जब मैं क्लिप देख रही हूँ वॉइस ओवर पे, तो आई फेल्ट ओह गॉड व्हाट मैंने क्या किया, बट प्लीज गाइस डोंट माइंड इट। तो मैं यहाँ पे बैठी हूँ और मैं अपने हस्बैंड को थोड़ी फोटो क्लिक करा रही हूँ, बट अभी वो कंफर्टेबल नहीं है ब्लॉग में आने के लिए, तो फिलहाल आप मेरी फ़ोटो देख के इंजॉय कीजिए और मिलती हूँ आपसे कुछ देर में। तो हमने केक पेस्ट्री कट कर ली है और पीछे कपड़े देख रहे हैं आप, तो छत पे अचानक से बारिश होने लगी थी, मुझे कपड़े अंदर लेके आने पड़े। और अब मैं बैठी हूँ इसको खाने के लिए। एटीन चॉकलेट एंड इफ यू आर नॉट फीलिंग गुड, आपका मूड थोड़ा बहुत अच्छा होता है तो सॉरी, ये पूरी चॉकलेट मैंने खा ली, इनको नहीं दी। तो अभी हमें ये भी इंजॉय करना और डिनर के लिए नॉर्मल खाने बनाया, क्योंकि जो इधर उधर का खाना बहुत कुछ खा के हमारा पेट
थोड़ा गड़बड़ हो गया तो सोचा सिंपल खाना बनाते हैं, जब मैं खाऊंगी तो आपको शेयर करूंगी मैंने क्या खाया है। तो चलिए तक मैं इसको इन्जॉय कर लूँ, वेट नहीं हो रहा, फिर मिलती हूँ आपको, बाय बाय। तो अभी मैंने डिनर करने का इरादा छोड़ दिया है, मतलब करूँगी बट थोड़ी देर बाद, तब तक मैं ये अपना जो पेस्ट्री केक इसको इन्जॉय करती हूँ। और यहाँ पे ना बारिश हो रही है तो मुझे लग रहा है बस जल्दी से सब चेंज करो, अपना नॉर्मल वेयर में आ जाओ। तो बहुत तेज़ नहीं हो रही है बारिश बट हाँ हो रही है, मुझे लग रहा है कैमरा ऑफ है तो वही है बस। तो चलिए मैं खाते खाते आपसे बात करती हूँ। तो मैंने थोड़ा सा लिया है क्योंकि ना बहुत ज़्यादा हमने हैवी भी खा लिया है, तो और इसके अंदर ना अनार रहते हैं तो मुझे भरक लगता है। वेट मैं आपको दिखाती हूँ, ऊपर से तो देखिए जेली ऐसा स्ट्रॉबेरी एंड अंदर से अनार देखिए, तो ये बहुत ज़्यादा टेस्टी है और मैं उसको इन्जॉय करती हूँ। और मैं सोचती हूँ इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड कर दूँ क्योंकि बारिश भी हो रही है और चेंज भी करना। चलिए मैं आपको थोड़ा बाहर का व्यू दिखाती हूँ, उसके बाद फिर मैं ये ब्लॉग एंड करती हूँ। तो गाइस आई होप आप देख सकते हैं कि जो मेरा टेरेस है, बहुत ज़्यादा बारिश नहीं हो रही है बट हो रही है, मतलब इतना कि हम भीग सकते हैं। तो ये मेरा एंट्री है, यहाँ पर देखिए सूखा हुआ है, यहाँ पे इस साइड भी यहाँ पे, उसके बाद से गीला है। तो ये मेरा टेरेस का व्यू है। तो मौसम इससे ज़्यादा ख़राब हो या कुछ हो तो अपना काम निपटा लेते हैं। तो बस सोचा आपको ये व्यू दिखा दूँ और कैसी लग रही है मैं बताना। और मैंने यहाँ बाल टाई कर लिए बिकॉज इतनी गर्मी नहीं है बट स्टिल बाल को ऐसे पूरा खोल कर रखना अब मुझे कंफर्टेबल फील नहीं होता। पहले तो मैं ऐसे ही खुले बाल रखती थी बट फील नहीं होता इसलिए। तो चलिए इसी क्लिप के संग मैं अपने ब्लॉग को एंड करती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। और आई होप नेक्स्ट ब्लॉग में कुछ अच्छा शेयर कर पाऊँ, मुझे मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया उसको पूरा कर पाऊँ। तो अपना ख्याल रखिए, घर पर रहिए, बाहर निकलें तो पूरी सेफ्टी के साथ निकलिए। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और कमेंट करिए, मुझे बताइए आपको क्या पसंद आ रहा है क्या नहीं पसंद आ रहा है, या जो भी जैसा भी है कुछ इम्प्रूवमेंट आप चाहते हैं तो वही मुझे बताइए। और सब्सक्राइब करके ही मेरे वीडियो को देखिए, ठीक है। चलिए मिलती हूँ बाद में, बाय, टेक केयर।